हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की सक्सेसफुल फी पेमेंट के बाद के फर्दर स्टेप्स क्या हैं जब आप लोग कॉलेज ज्वाइन करोगे। जैसे कि कॉलेज में एंट्री कैसे होगी, आप लोगों को आईडी कार्ड नहीं मिला है तो क्या आप लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा एंट्री के लिए, टाइम टेबल का क्या सीन है, बुक्स का क्या सीन रहता है आप लोगों के कॉलेज में, और आप लोगों की जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है वो कैसे होगी, क्या फर्स्ट डे कॉलेज में आना जरूरी है, नहीं आते हैं तो क्या होगा, मतलब जो भी आप लोगों की बेसिक डाउट हैं वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो दो नई अपडेट आए हैं ड्यूबडी ऐप के ऊपर, पहला तो कि आप लोगों का जो ग्रुप है वो बन चुका है कॉलेज प्लस कोर्स का, तो आप लोग जाकर के अपना क्लास ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। राइट हैंड साइड में चैट ऑप्शन दिखेगा एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे चिट चैट कर रहे हैं। एंड सेकंड, आप लोग जो है अपना अकोमोडेशन जो है ड्यूबडी ऐप के थ्रू बुक कर सकते हो। थ्रू मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर के जो है बहुत सारे पीजीज हम लोगों ने लिस्ट किए हैं आपके कॉलेज के पास, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। एंड बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं कि आपको आपके कॉलेज के बच्चे के साथ पीजी चाहिए, आपके कोर्स के बच्चे के साथ पीजी चाहिए, आपके ईयर के बच्चे के साथ पीजी चाहिए, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इंक्वायरी सेंड कर सकते हो, 360 व्यू ले सकते हो कि ये पीजी कैसा है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड बाद में आप लोग फिजिकली आ करके उस पीजी को यहाँ पे विजिट करके जो है अपना बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया फर्स्ट डे जब हम लोग कॉलेज जाएंगे आईडी कार्ड तो मिला नहीं है तो क्या सीन होने वाला है, एंट्री कैसे होगी। देखिए, जो आप लोगों ने फ़ी पेमेंट की है उसके ऊपर जो आपकी फ़ी पेमेंट की स्लिप आ रही है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ रही है, साइड में मैं वीडियो भी चलवा दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाओगे। उसके अंदर आपका कॉलेज और कोर्स का नाम दोनों है, तो आप लोगों की एंट्री उसको दिखा करके फर्स्ट कुछ दिनों तक होने वाली है। देन जब आपको कुछ दिन हो जाएंगे कॉलेज में जाने के बाद, जो कॉलेजेस हैं वो अपने अपने आईडी कार्ड आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड डाउट बच्चों की रहती है, क्योंकि अभी बच्चे ही हो आप, कि भैया टाइम टेबल का क्या सीन है, बुक्स का क्या सीन है। टाइम टेबल जो है वो आप लोगों की कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाएगा, जो भी कॉलेज है वहाँ पे आप लोग विजिट करते रहिए। साथ ही साथ जो हमारे चैट ग्रुप्स हैं ड्यूबडी ऐप के, अपने कॉलेज और आपके कोर्स के, उसके अंदर भी हम लोग जो है आप लोगों को टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग जा करके जो है चेक कर सकते हो, मतलब उस ग्रुप में जुड़ जाओ, जब भी आएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। लिंक जो है ऐप की कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तीसरी चीज़ कि भैया चलो टाइम टेबल का पता चल जाएगा, उसके बाद बुक्स कहाँ से लेनी है। देखिए यार, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, तो यहाँ बुक्स जो हैं आप लोगों को ऐसा सीन नहीं है कि घर वालों के साथ गए एक स्टेशनरी शॉप से जा करके बुक लेकर के आ गए। आप पहले दिन कॉलेज आइए सिंपल अपनी एक रफ नोटबुक बैग में डाल करके, टीचर जो हैं वो यहाँ पे आपको बता देंगे एक दो दिन बाद जब आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं कि ये बुक्स हैं आपकी, कुछ आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। एंड अगेन कुछ बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन आप लोगों को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होगी, एंड कुछ बुक्स टीचर आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको बाहर से लेनी है। एंड लगभग हर एक कॉलेज के आसपास जो है स्टेशनरी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे वो बुक्स अवेलेबल आप लोगों को हो जाएंगी। नेक्स्ट डाउट आती है कि भैया फर्स्ट डे कॉलेज नहीं आए तो क्या होगा, क्या हमारी डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे वेरिफिकेशन होने वाली है, फिजिकल वेरिफिकेशन, या फिर क्या सीन है इसका। तो देखिए यार, इसका मैं बताता हूँ कि फर्स्ट डे कॉलेज नहीं आए तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है वो फर्स्ट डे नहीं होने वाली है। फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ आपका ओरिएंटेशन होगा, मतलब आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, अपने टीचर्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जो है जब से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो धीरे धीरे जैसे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उसके एक हफ्ते बाद डिपार्टमेंट वाइज करवाते हैं। डिपार्टमेंट वाइज मतलब हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच इस विंडो नंबर पे जा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। उसके बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट की बारी आएगी, उसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बारी आएगी, उसके बाद आपका हिंदी ऑनर्स की बारी आएगी, तो इस टाइप से वो बाद में चलने वाला है। फर्स्ट डे ही नहीं होता आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ गए हो। उसके बाद अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को जो है अपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है तो वहाँ पे जो है आप लोगों को कॉलेज का जो है हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन की कब से आप लोगों के हॉस्टल के फॉर्म्स आउट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो आप लोग जो है वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड एक सजेशन है कि लाइफ में कॉलेज का फर्स्ट डे जो है वो कभी नहीं आएगा दोबारा, तो जो लोग रीच कर सकते हैं, जो लोग पहुंच सकते हैं, तो आप लोग जो है फर्स्ट डे कॉलेज में जाइए, क्योंकि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जो फर्स्ट डे की फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा आगे तक चलती है। एंड हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट डे मिले थे एंड आज भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब पास आउट हो गए कि हाँ यार हम लोग फर्स्ट डे मिले थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फर्स्ट डे आ रहे हो।
सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपकी जो मेन सारी डाउट्स हैं वो हमने सोल्व कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी क्वेरीज सोल्व हुई हैं, वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड अप टू द पॉइंट लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड ड्यूबडी ऐप, जहाँ पे आगे आप लोगों के अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।